भाई ये हाथ नीचे कर लिया अरे भाई इतना मानते हैं लग रहा था बॉलिंग इतना ही है मायूस हुए तो मायूस होकर उन्होंने आप 9 दिनों की तपस्या की, उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और 9 दिनों के लिए उन्होंने माता की उपासना आराधना की, ये समझने के लिए कि माँ शक्ति उनको क्यों दे रही है और ये शक्ति मेरे पास क्यों नहीं है। मैं तपस्या करूंगा, मैं आराधना करूंगा कि माँ की शक्ति मेरे पास आए। तो 9 दिनों के लिए भगवान राम ने तपस्या की, व्रत रखा, माँ की आराधना की और उन्होंने 108 नील कमल माँ के चरणों में डाले। जब 108वें कमल को डाल नील कमल को डालने का मौका आया 9वें दिन पर, तो माता ने उनकी परीक्षा ली, वो 108वां जो कमल था उसको उन्होंने छुपा दिया और भगवान राम को मिल नहीं रहा था, संकट में आ गए, दुख हुआ, लेकिन उनके अंदर एक और शक्ति थी, श्रद्धा की शक्ति थी, तो उन्होंने तो याद आया इस शक्ति के द्वारा कि बचपन में उनकी माता उनको राजीव लोचन कहलाती थी, मतलब कमल जैसी आंखों वाले। तो जब ये बात भगवान राम को याद आई तो भगवान राम ने एक छुरा निकाला और अपनी आंख को निकालने की का प्रयास करने जा रहे थे कि मैं माँ के लिए माँ के चरणों में, मेरे पास नील कमल नहीं है, मैं अपनी आंख। जैसे ही माँ ने उनकी ये श्रद्धा देखी तो माँ का दिल भी निकल गया और माँ ने उनको रोका और कहा मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तुम्हारी तपस्या सफल। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मनाते हैं। वो तपस्या क्या थी भगवान राम? माता के प्रति तपस्या थी, लेकिन भगवान राम को अजान हो रही, अजान 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 हो रही।